हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, आचिज भाई एंड अर्नव। और आज हम लोग बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि 2-3 दिन से बहुत ही ट्विटर पर घमासान जैसा चल रहा है, विराट वर्सेस बीसीसीआई। आचिज भाई, मैं आपको ये बात दूंगा कि आपकी क्या राय है इस पे, विराट वर्सेस बीसीसीआई, ये कंट्रोवर्शियल, आप क्या कहना चाहेंगे? यार पहले तो यार मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आपके चैनल में बुलाया। और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, और आप मतलब इतने कम एज पर इतना मतलब नॉलेज है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम जब आपके एज में थे तो बिल्कुल ठीक है, हम क्रिकेट खेलते थे, बट ये यूट्यूब चैनल चलाना अभी भी मुझे दिक्कत होती है। ये स्ट्रीम ऐड जो भी जूम लिंक अर्नब मुझे भेजता रहता है, मैं बार बार उसे बोलता हूँ कि आप मुझे भेजो, क्योंकि ये सब नहीं होता है मुझसे। वो सच्ची बात है, हम इतने भी मॉडर्न नहीं है, बट इसका मतलब नहीं है कि हम बूढ़े हैं। कभी कभी अर्नब मुझे बोलता है कि आप 35-40 साल वाले बंदे लगते हो, आप जैसे बात करते हो, ठीक है, बट ऐसे नहीं कि बूढ़े हैं। आपको क्या लगता है देखकर? मतलब 70 साल का लगता हूँ शायद मुझे देखकर, एक नहीं, ठीक ठाक लगता। यंग ठीक था। ट्वेंटी अच्छा, ट्वेंटी 2021 नहीं, मैं फिर भी 26 का हूँ। अच्छा हुआ आप मतलब एज वन कम कर लिए, ठीक है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और यू आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब। और मैं चाहूंगा सबको यू। कि साथ को जरूर मतलब सपोर्ट करे। बाकी देखो साथ, ये जो चीज ना बड़ी आप लोगों के लिए ना, टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूंगा कि आप ये टॉपिक पर बात नहीं करने के लिए, बट फिर भी अगर आप मुझे पूछे हो, क्योंकि आप बहुत ही छोटे हो अभी ये समझने के लिए कि ये कंट्रोवर्सी और ये सब क्या होता है, समझ रहे हो ना। मैं अर्नब को भी हाँ मना किया कल, अर्नब भी बोल रहा था इस पर करेंगे। देखो ये अभी तक ना बहुत सारी चीजें फाइनल नहीं हुई, देखो, क्योंकि मतलब और आगे बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आएंगी और नई नई चीजें पर डिस्कशन होगी। तो मुझे ये देखो, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं आपकी तरह फैन हूं। अब हाउ कैन आई टेल दैट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलती, समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है, विराट कोहली कुछ बोले, सौरभ गांगुली उनसे पहले कुछ बोले, दोनों के बीच आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट नहीं है, दोनों के बीच आप ये बोल सकते हो कि मतलब कुछ गड़बड़ है विराट और बीसीसीआई में, बट वी आर डूइंग इट इन अ रॉन्ग वे, दिस कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। सही मतलब विराट के साथ बात करके, या जो भी हुआ है अब तक ना, एग्जैक्ट चीजें नहीं हुई है, बट देखो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट एंड सीरियस, डू नॉट बिलीव इन सोर्सेस एंड रिपोर्ट्स। वो जो दो बड़ी महान चीजें 7 दिन से चल रही है, और उसका बराबर मैंने अपने चैनल में जैसे उनको डील किया जाता है जिस लैंग्वेज से, वहां पे बोला, यहाँ पे नहीं बोल सकता क्योंकि आप बच्चे हो। और मैं बार बार वही बोलता हूँ दैट डू नॉट डिस्कस दिस टॉपिक गाइस, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव एंड क्रिटिकल टॉपिक। बाकी ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अर्नब और आप, ठीक है, और मैं आपका बड़ा भाई हूं दोनों का। अब आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, तो मैं क्या देखूंगा कि झगड़ा कैसे सुलझाया जाए, या बोलूं साद फॉर इंडिया, अर्नब फॉर इंडिया, ऐसे करके ट्रेंड करो। यही हो रहा है यार एंड ऑफ द डे। सौरभ गांगुली और जो अपने विराट है वो इंडियन है, एंड ऑफ द डे वी नीड टू सपोर्ट देम। यहाँ पे सही गलत वो टाइम बताएगा, कोई अब तक सही चीज नहीं बोल पा रहा है। सब जर्नलिस्ट अपने अपने एजेंडा चला रहे हैं, सब अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां, देखो हर दिन नई नई चीजें आ रही है, बट आई थिंक समथिंग इज नॉट राइट, विच इज नॉट गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। क्यों? क्योंकि आगे जो हमारी बड़ी टूर है, अगर हम वहां पे हारते हैं ना, देन देर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्ट, बिकॉज ये बोला जाएगा कि इस चीज के लिए ये सब डिस्टर्बेंसेस हुई है। तो ये बड़ी ही मतलब एक यू कैन से बड़ी ही डिफिकल्ट या फिर बड़ी खतरनाक चीज से इंडिया गुजर रही है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि मैं ये बस बोलूंगा कि इट कुड हैव बीन डेल्ट इन अ बेटर वे विद प्रॉपर मैनेजमेंट एंड टॉकिंग। बाकी और कुछ आई आई कैनॉट स्पीक एनीथिंग।
because there is lot of rumors and controversy going. अर्णव आपके लिए आप क्या अगर हम ये पूरे सिनारियो को देखते हैं तो पहले क्या हुआ विराट कोहली वाज रिमूव फ्रॉम वनडे कैप्टेंसी विच वाज अ फेयर कॉल हमें समझ आता है व्हाई इंडिया वाज नॉट विनिंग ट्रॉफीज ही गॉट अ फोर ईयर स्पैन ऑफ लीडिंग द टीम रोहित शर्मा इज अ रेडी लीडर एंड ही इज रेडी टू टेक ओवर प्लस कोई सेंस नहीं बनता ओडीआई टी20 के अलग कैप्टन में सो नाउ सौरभ गांगुली मतलब पूरे बीसीसीआई शुड हैव हैंडल इट बेटर बिकॉज विराट कोहली को विराट कोहली ने खुद बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्हें 1.5 घंटे पहले बताया कि यू आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम कैप्टन एंड ही सेड ही वाज ओके बट ही इज ओके बट वो तो यही बोलेंगे वो ये तो नहीं बोलेंगे आई एम नॉट ओके मैं खेलूंगा नहीं आज से ये वो ऑब्वियसली ही विल से आई एम ओके बट देखो एवरीवन नोस कि मतलब उनको भी पता है उन्होंने भी बोला कि आई डिडंट विन एनी वी डिडंट विन एनी आईसीसी ट्रॉफी सो इट्स अ सेंसिबल कॉल बट देन यार उस बन्ने ने ट्रॉफी नहीं जीता है बट ही वाज अ सक्सेसफुल कैप्टन ना 70 का विन परसेंटेज अनसक्सेसफुल कैप्टन्स को नहीं मिलता जो भी है इट्स जैसी भी टीम हो अच्छी टीम हो बुरी टीम हो इट्स नॉट अ जोक सो यू वर supposed to handle it in a better way या तो विराट रोहित और selectors सौरव गांगुली head coach सबकी एक press conference करा देते और कुछ पहले you should have addressed it in a better manner but चलो ठीक है but then जो बाद में statements आई ना विराट कोहली के press conference में उसके बाद जैसे सौरव गांगुली said that he never asked विराट कोहली to step down from T20 captaincy he told him not to विराट कोहली बोलते हैं कि मेरे को किसी ने T20 कैप्टेंसी स्टेप डाउन करने से मना नहीं किया एवरीवन टुक इट एज अ प्रोग्रेसिव कॉल एंड एवरीवन वाज हैप्पी विद इट विराट कोहली की बात सुन के ऐसा लगा कि सब मतलब सब चाहते थे कि ये तो चला जाए अच्छी बात है ठीक है कि किसी कोई डिबेट ही नहीं हुआ विराट कोहली बात को सुन के ऐसा लगा सौरव गांगुली की स्टेटमेंट ही पूरी अलग है सो नाउ ऐसा हमें समझ आता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप है या कुछ है Which is not good for Indian cricket. क्योंकि BCCI इंडिया का controlling body है of cricket. And विराट कोहली इंडिया के कैप्टन है सो कैप्टन एंड बोर्ड की relations ही टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो टीम का क्या होगा ना सो दैट्स द पॉइंट एंड वो आई थिंक यहाँ पे जो हमें अभी तक स्टेटमेंट्स आए हैं आई थिंक मोस्ट पीपल वुड बी विद विराट कोहली क्योंकि सौरभ गांगुली की बातों से ये नहीं समझ आता है हमें कि क्योंकि कभी उनका स्टेटमेंट ऐसा है कि वो विराट कोहली के उसके बारे में बात कर रहे हैं बट कभी उनका स्टेटमेंट ऐसा आ जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता जैसे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पीटीआई को बोला बोलते हुए सुना तो मैं कोई सोर्सेस नहीं मैंने उनको बोलते हुए सुना कि यू डोंट इंटरफेयर इन टू दिस द बीसीसीआई विल हैंडल दिस मैटर भाई बीसीसीआई तुम खुद हो तुम खुद हैंडल कर रहे हो तो बीसीसीआई विल हैंडल दिस मैटर का क्या मतलब हुआ ठीक है लेट अस मूव ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक अच्छा आर्चिस भाई आपको ये लगता है कि एटलीस्ट एक फेयरवेल सीरीज साउथ अफ्रीका की ओडीआई फेयरवेल सीरीज मिलनी चाहिए थी विराट को देखो फेयरवेल इंडिया में नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट आप अगर देखोगे ना जो जो कैप्टन गए हैं तो फेयरवेल ऐसे नहीं होता है और क्योंकि मैंने तो एमएस धोनी का नहीं देखा ना ही मैंने सौरव गांगुली का कुछ ऐसा फेयरवेल देखा ये अलग ही ये है मतलब ये हमेशा नहीं होता है मैंने सचिन तेंदुलकर को फेयरवेल एक सीरीज जो भी हुआ था वो देखा था ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया में फेयरवेल और ये क्या देखो फेयरवेल कब होता है जब आपके बीच कोई मन मुटाव या फिर कोई डिस्टर्बेंस ना अब उनको तो निकाला गया है ना अब क्या उनको फेयरवेल देंगे किस चीज का फेयरवेल देंगे सपोज मैं आपको क्लास से निकाल दूं अगर जो भी है तो मैं क्या बोला कि आपको ट्रीट दूंगा कैंटीन में तो ये थोड़ी होता है ये फेयरवेल कब होता है जब आपके बीच फॉर एग्जांपल अर्णब बोलेगा कि अर्चिस भाई मतलब थैंक यू सो मच और या फिर मैं बोलूंगा कि अर्णब आई एम रिटायरिंग फ्रॉम योर चैनल ठीक है तब अर्णब मुझे फेयरवेल देगा अब अर्णब बोलेगा अर्चिस भाई अब निकलो अब वो थोड़ी मुझे बोलेगा आज एक फेयरवेल लाइव करते हैं आपके लिए और आप निकलो फिर उसके बाद समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं
वही फेरल का डेफिनेशन सही नहीं और नहीं होता वो। जस्ट आस्किंग क्योंकि बहुत मतलब बहुत बातें हो रही थी इसके ऊपर इसलिए। नहीं आई डोंट थिंक कोई मतलब बनता है जब प्यार होता है, जब मतलब कोई अपने ओर से जाता है, जैसे सचिन बोले कि आई विल रिटायर तब जाके फेयरवेल दिया जाता है, ऐसे कोई मन मुताबिक। सौरभ आप देखे हो वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज इनका कोई फेयरवेल हुआ है देखे हो? जहीर खान, नहीं, हरभजन सिंह, तो फिर नहीं, तो नहीं होता है ना। जस्ट जस्ट आस्किंग। विराट कोहली जब होंगे तब होगा, जस्ट आस्किंग नहीं, उनका होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। वो बड़े प्लेयर है, उनको एज ए प्लेयर फेयरवेल दिया जाएगा, लेकिन देखो धोनी वो फेयरवेल नहीं चाहते, वो अलग बंदा है, ये मतलब काम करके निकलने वाला बंदा है। तो विराट कोहली के लिए होगा फेयरवेल, इस टी लेट अब है, वो खेलेगा 3-4, अच्छा खेलेगा देखना।